हेलो दोस्तों दोस्तों स्वागत एक बार फिर से करंट अफेयर्स जनरल नॉलेज की एक नई क्लास में। तो दोस्तों आज का अपना टॉपिक है, क्या आपने पढ़ लिया होगा, स्टेट गवर्नमेंट स्कीम अंडर 2023। 2023 में जो है स्टेट गवर्नमेंट ने क्या-क्या स्कीम लागू की है। स्टेट गवर्नमेंट्स ने देश के अंदर भिन्न भिन्न स्टेट की गवर्नमेंट्स ने जो जो स्कीम लागू की है उसके बारे में आज अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि अलग-अलग राज्यों ने क्या-क्या स्कीम जो है लागू की हैं जनता के देश हित में, जनता के हित में जो वहां की सरकारें हैं उन्होंने क्या-क्या स्कीम जो है लागू की हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से राज्य ने कौन कौन सी स्कीम जनता के हित के लिए लागू की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले नाम आता है, जो सबसे पहली अपनी स्कीम है वो है अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना, यानी अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना। दोस्तों ये स्कीम जो है गुजरात गवर्नमेंट ने लागू की है और जुलाई 2023 में इस स्कीम को लागू किया गया था। और इस स्कीम का जो एम है ना, एम 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 है इस स्कीम का, जैसे कि आप समझ रहे होंगे कि श्रमिक शब्द आ रहा है, श्रमिक शब्द आ रहा है इसके अंदर, श्रमिक सुरक्षा। तो कहीं ना कहीं ये जो है स्कीम जो है श्रमिक की, जो हमारे वर्कर भाई हैं उनकी सुरक्षा के प्रति जागरूकता के लिए ये जो स्कीम है ये लागू की गई है। तो आप देखिए सबसे पहले इसके अंदर क्या है, इसका एम क्या है इस स्कीम का, टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू वर्कर्स और लेबर। क्या इसका एम है इसका, टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी वर्कर्स लेबर इन केस ऑफ एक्सीडेंट और डेथ, यानी कि एक्सीडेंट और डेथ के केस में जो हमारे वर्कर भाई हैं उनको स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए ये जो है अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना को गुजरात गवर्नमेंट ने जुलाई 2023 में लागू किया था। तो बहुत अच्छी स्कीम है और बहुत अच्छी बात है कि जो गवर्नमेंट है वो जो है लेबर क्लास और जो हमारे वर्कर भाई हैं, लेबर क्लास वर्कर है उनके प्रति जो है जागरूक हो रही है और उनके लिए ये स्कीम लेके आई है। अब ये कौन से स्टेट ने लागू की है, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको गुजरात ने जो है इस स्कीम को लागू किया है और कब लागू किया है, जुलाई 2023 में इसको लागू किया गया है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्कीम जो है वो है एम्मा पोखरी जो स्कीम है दोस्तों वो जो लागू की है, जिस स्टेट ने, किस स्टेट ने लागू की है, उड़ीसा गवर्नमेंट ने इसको लागू किया। उड़ीसा स्टेट में ये लागू की गई है उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा जुलाई 2023 में, जुलाई 2023 में इसको लागू किया गया है उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। अब दोस्तों किस चीज के लिए इस जो स्कीम जो है लागू की है इसका एम क्या है दोस्तों, अगर मैं बात करूं इसके एम की तो मैं आपको बताऊं कि आजकल जो है पानी की किल्लत जो है, पानी जो है अपने आप में एक समस्या बनता जा रहा है, ग्लोबल प्रॉब्लम बन गई है वाटर की। तो इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए उड़ीसा गवर्नमेंट ने जुलाई 2023 में एमा पोखरी स्कीम लागू की है। और स्कीम के अंडर एम क्या है, फॉर डेवलपमेंट ऑफ 2000 वाटर बॉडीज। दोस्तों ये बहुत ध्यान करने लायक बात है कि इस स्कीम के अंडर 2000 वाटर बॉडीज बनाई जाएंगी, किसमें, 115 अर्बन एरिया में, 115 अर्बन एरिया जो है चूज किए गए हैं उनके अंदर 2000 वाटर बॉडीज जो है वो डेवलप की जाएंगी इस स्कीम के अंदर। कौन सी स्कीम है, एमा पोखरी स्कीम जो है ये उड़ीसा गवर्नमेंट ने लागू की है और इसके अंडर 2000 वाटर बॉडीज जो है वो बनाई जाएंगी 115 अर्बन एरियाज में। और ये क्या काम करेंगी, टू प्रोवाइड क्लीन वाटर, ये लोगों को साफ पानी देने के लिए ये जो स्कीम है वो उड़ीसा गवर्नमेंट ने जुलाई 2023 में लागू की गई। और इसका एम क्या है, 115
जो अर्बन एरियाज है उनके अंदर 2000 वाटर बॉडीज बनाने की स्कीम है ये, और ये जो है साफ पानी लोगों तक पहुंचाने के लिए इस स्कीम को लागू किया जाना है। अब देखिए दोस्तों, अपनी अगली जो स्कीम है वो भी स्टेट उड़ीसा से ही है, और वो क्या है, मो जंगल जैम योजना। यानी क्या योजना है, मो जंगल जैम योजना। अब आप कहीं ना कहीं इसके नाम से ही लग रहा होगा कि ये जो स्कीम है जंगल से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है, जंगल से। और ये किसने लागू की है, स्टेट कौन है इसको लागू करने वाला, उड़ीसा ही। उड़ीसा ही स्टेट है जो ये अपनी जो स्कीम है इसको लागू करने वाला। और इसका एम क्या है इस स्कीम का, आप समझिए, देखिए इसका एम समझिए दोस्तों। जैसे कि आप ये स्कीम में पढ़े देखे हैं, नाम आ रहा है जंगल का, कि ये स्कीम जो है जंगल से रिलेटेड है, तो इस स्कीम का जो एम है वो भी जंगल से ही रिलेटेड है। और इसका एम है टू इफेक्टिवली इंप्लीमेंट द प्रोविजंस ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 में उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया था जंगल के राइट्स को बचाने के लिए। उस एक्ट को ही इंप्लीमेंट करने के लिए ये जो मो जंगल जमा योजना जो है लागू की गई है। और इसका काम क्या है, इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करवाना इस एक्ट को। एक्ट जो 2006 में आया था, ये क्या एक्ट था, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ जंगल। यानी जो जंगल है उनको रिकॉग्नाइज करना है, उनको बचाना है, उनको ये जो एक्ट दोस्तों जो 2006 में आया था, इस ये क्या काम था इसका, इसका काम था जो ये जो एक्ट आया था, ये था एक्ट क्या था, ऑफ फॉरेस्ट राइट्स। जो भी फॉरेस्ट के राइट्स थे, जंगल के अधिकार, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए ये इस एक्ट को लागू किया गया था, जो एक्ट 2006 में लागू किया था। इस एक्ट को अच्छी तरह इंप्लीमेंट हो, इस एक्ट में कोई कमी ना रहे, इसका जो एक्ट ये है कोई भी प्रोविजन से इस एक्ट को जो है प्रोविजंस लाए जाएं, जो शेड्यूल ट्राइब्स है वहां की, जो जंगल की शेड्यूल ट्राइब्स है और जो फॉरेस्ट ट्रेडिशंस है उनके राइट्स हैं उनको बचाने के लिए इंप्लीमेंट किया जाए इस स्कीम के अंडर, ये आता है। और ये जो है ये स्कीम है क्या, आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि ये स्कीम है दोस्तों कि जंगल के जो भी राइट्स हैं, जो भी वहां की शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके भले के लिए, उनके अच्छे काम, उनके प्रति उनके अच्छे, मतलब उनकी उनकी प्रोग्रेस करनी है। और उनके ये स्कीम के अंदर दोस्तों ये ज्यादा ध्यान दिया गया है कि जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं जंगल की उनकी प्रोग्रेस भी करनी है और जंगल के कानून को भी नहीं छेड़छाड़ करनी है, यानी जंगल की शांति से भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, उनके ट्रेडिशंस के साथ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, उसको ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रोविजंस देने हैं कि वो जो है शेड्यूल ट्राइब्स हैं वो आगे बढ़ सकें। तो ये जो है उड़ीसा गवर्नमेंट इस स्कीम को लेके आया जुलाई 2023 में लेके आया, और ये जो स्कीम जो है वो एक्ट 2006 में जो आया था फॉरेस्ट रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट जो राइट्स है उसका जो एक्ट आया था उसको इम्प्लीमेंट, उसको और प्रोविजंस बताने हैं, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, क्या वहाँ की ट्राइब्स हैं उनकी प्रोग्रेस करनी है, उनके जो ट्रेडिशंस उनसे ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी, ये जो है स्कीम वो चीज़ है इसके अंदर, इस योजना के अंदर उड़ीसा गवर्नमेंट ये लेके आई। उसका एम रहा है कि जंगल की ट्राइब्स के कि जो है वहाँ के जो ट्रेडिशंस हैं उनके साथ छेड़खानी नहीं करनी है। तो ये लेके आई कौन, उड़ीसा गवर्नमेंट, और इसका नाम क्या है, मो जंगल जमीन योजना। दोस्तों जो अपनी अब अगली स्कीम है वो भी उड़ीसा से ही है, उड़ीसा स्टेट की है, और वो कौन सी है, एमा उड़ीसा नाबिन उड़ीसा स्कीम। यानी कि अब आप नाम से ही समझ गए होंगे कि ये जो स्कीम है ये उड़ीसा से ही रिलेटेड है। और ये किस स्टेट ने लागू की,
ये तो बताने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ, ये उड़ीसा में लागू की गई और जुलाई 2023 में इसको लागू किया गया है। और इसका जो एम है, किसका, एमा उड़ीसा, नाबिन उड़ीसा जो स्कीम है, इसका जो एम है वो क्या है कि इसका एम है टू टेक मेजर्स टू एनहांस द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर लीडिंग टू एक्सेलरेट ग्रोथ एंड प्रमोट प्रेजेंस एंड प्रोटेक्ट जगन्नाथ कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ उड़ीसा। अब आप समझिए कि ये ऐसा है कि ये जो स्कीम है ना, मैं आपको उदाहरण देता हूं, उससे आप ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा कि एक पुराना घर है और उसको रिनोवेट करना है, और रिनोवेट भी करना है कैसे कि वो जो अपना पुराना लुक है उसको बदलेगा, यानी वो जो उसका पुराना लुक है वो बदलेगा। यानी कि आप मैक्सिमम इस बात से समझ सकते हैं कि जैसे कि कोई किला है, बहुत बड़ा फोर्ट है, और उसके अंदर नई चीजें इंप्लीमेंट करनी है, बट उसकी जो ऐतिहासिकता है, उसकी जो हिस्ट्री है, उसके जो लुक्स है और जो उसका जो ट्रेडिशन है, उसके साथ छेड़खानी नहीं करनी और उसको बढ़ावा देना, ऐसे उसको मतलब एक पुराने उसको मॉडर्नाइजेशन करना है उसका, बट उसका जो पुराना रूप है वो बिगड़ना नहीं चाहिए। तो वही ये स्कीम बोलती है, एम्मा उड़ीसा नाबिन उड़ीसा जो स्कीम है वो क्या बोलती है, जो भी रूरल एरिया है उड़ीसा का उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, लीडिंग उसके वहां की ग्रोथ को एक्सेलरेट करना है, बट जो वहां का प्रमोट करना है उसकी वहां को, बट जो वहां का कल्चर है, जगन्नाथ जो कल्चर है वहां का, किसका, उड़ीसा का जगन्नाथ कल्चर जो है उससे छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, और ट्रेडिशन ऑफ उड़ीसा उससे छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, वो बना रहना चाहिए। उस सब को ध्यान में रहते हैं, रूरल एरिया का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। तो ये जो स्कीम है अम्मा उड़ीसा नाबिन उड़ीसा जो स्कीम है वो ये बताती है कि उड़ीसा का कल्चर भी नहीं डिस्टर्ब हो और वहां पे प्रोग्रेस भी होती रहे, किसमें, रूरल एरियाज में। और इस स्कीम के लिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, गवर्नमेंट जो उड़ीसा गवर्नमेंट ने 4,000 करोड़ जो है वो अलॉट किए हैं, 4,000 करोड़ रुपीज जो है वो अलॉट किए हैं इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए, इस स्कीम के अंदर काम करने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अपनी अगली स्कीम के बारे में, पिंगल पातू कपतू ठीथन स्कीम। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में भी हो रही है, पिंगल पातू पत्तू कपतू ठीथन स्कीम। और ये कहाँ लागू की गई है, ये लागू की गई है तमिलनाडु में, जुलाई 2023 ने तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जो है इस स्कीम को लागू किया है। और इस स्कीम का एम क्या है, तो वो देखिए गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा, ये मैं डिसीजन कहूँगा, बहुत अच्छी स्कीम कहूँगा। क्यों, क्योंकि ये जो स्कीम है ये वुमेन्स के लिए है, जो भी हमारी औरतें, जो भी हमारी लेडीज हैं जो बाहर काम करती हैं, हमारी मदर्स है या वाइफ है या सिस्टर है, जो भी कोई बाहर काम करती है, ये उनके लिए ये स्कीम है। वो क्या है, वुमेन ट्रेवलिंग अलोन हैव द ऑप्शन टू एक्सेस ए फ्री ड्रॉप फैसिलिटी यूजिंग पेट्रोल व्हीकल और इफ दे फील अनसेफ एट नाइट, यानी कि अनसेफ एट नाइट यानी कि रात में अगर कोई भी औरत जो है ट्रेवल कर रही है और वो जो है अनसेफ फील कर रही है, तो वो ऑप्शन है उसके पास, जो पेट्रोलिंग व्हीकल है पुलिस का उसको बुला सकती है, और वो जो है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो उसके घर तक छोड़ के आएगा। यानी कि अगर कोई लेडीज जो है रात में ऑफिस से काम करके निकली है और उसको लग रहा है कि अब तो भाई मुझे कुछ मिलेगा नहीं और अब मैं बहुत अकेली कहाँ जाऊंगी, तो इन दैट केस आप तमिलनाडु में हैं तो वहां की सरकार जो है ये स्कीम लेके आई कि आप फोन कीजिए पुलिस को, वो पेट्रोलिंग व्हीकल जो उस एरिया में पेट्रोलिंग कर रही होगी उसको भेजेगी, वो आपको आपके घर तक ड्रॉप करेगी। और अब इस स्कीम का क्या फायदे क्या नुकसान वो बाद में बात करेंगे, बट फिलहाल जो है ये स्कीम जो है गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी लागू की है। और इस गवर्नमेंट जो स्कीम है ये नाइट के लिए, दिन के लिए नहीं है, उसमें भी जो सरकार है उसने एक टाइम फिक्स किया है, टाइम है रात को 10 PM से लेके सुबह 6 AM तक जो है ये स्कीम जो है लागू रहेगी, मतलब इस
इन वर्किंग 8 आवर्स में आप जो है पेट्रोलिंग व्हीकल क्या है, पुलिस पेट्रोलिंग व्हीकल है, उसको आप बुला सकते हैं। वो जो है वर्किंग वुमेन से कोई भी वुमेन जो है ट्रैवलिंग कर रही है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है घर तक छोड़ के आएगी। तो ये जो स्कीम तमिलनाडु गवर्नमेंट लेके आई और बहुत अच्छी स्कीम है, और वुमेन्स के लिए उन्होंने बेसिकली इस स्कीम को लॉन्च किया है। दोस्तों अगली जो स्कीम है ये भी बहुत ही बढ़िया स्कीम है, और इसे भी जो है वुमेन पावरमेंट से देख के जो है गवर्नमेंट ने लागू किया है वुमेन्स की तरफ देखते हुए। ये है कर्नाटका गवर्नमेंट जो है इस स्कीम को लेके आई है, जुलाई 2023 में इस स्कीम को लागू किया गया है, और इसका नाम क्या है, गृहा लक्ष्मी स्कीम। क्या नाम है इसका, गृहा लक्ष्मी स्कीम है, और कर्नाटका गवर्नमेंट ने जुलाई 2023 में इसको लागू किया है। और इस स्कीम के जो एम है इस स्कीम का वो क्या है, टू बेनिफिट अराउंड 1.28 करोड़ फैमिलीज ऑफ कर्नाटका। करीबन 1.25 करोड़ जो फैमिली है कर्नाटका की, उनको ये बेनिफिट देगी, सीधी डायरेक्ट बेनिफिट देगी ये स्कीम। कैसे बेनिफिट देगी वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बेनिफिट देगी। इस स्कीम के अंडर जो 2,000 रुपए है, कितने 2,000 रुपए पर मंथ हर महीने ट्रांसफर किए जाएंगे एक अकाउंट में, किसके अकाउंट में, वुमेन हेड ऑफ फैमिली, जो घर की वुमेन मुखिया है, जो औरत मुखिया है घर की, उसके अकाउंट में डायरेक्ट 2,000 रुपए गवर्नमेंट ट्रांसफर करेगी। वो घर के जो काम है उनको सुचारू रूप से चला सके, उसकी आर्थिक मदद जो है कर्नाटका गवर्नमेंट करेगी 2,000 रुपए से। घर की वुमेन, ध्यान रखिएगा, मैन मुखिया नहीं, वुमेन मुखिया के उसमें, वुमेन हेड के अकाउंट में आएंगे पैसे, मैन हेड के अकाउंट में नहीं आएंगे। तो औरतों को आगे बढ़ाने के लिए और उनकी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए जो है गृहलक्ष्मी जो स्कीम है वो कर्नाटका गवर्नमेंट लेके आई है। बहुत अच्छी स्कीम है, इस टाइप की स्कीम जो है और दूसरे स्टेट्स को भी लागू करनी चाहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दोस्तों अपनी जो अगली स्कीम है वो राजस्थान गवर्नमेंट की स्कीम है, और ये जो है जुलाई 2023 में इस स्कीम को लागू किया गया। और ये स्कीम क्या है, मिनिमम गारंटीड इनकम बिल 2023। राजस्थान गवर्नमेंट जो है स्कीम को लेके आई है, स्टेट राजस्थान में इसे लागू किया गया है, और जुलाई 2023 में इसको लागू किया है। और इस बिल के अंदर क्या कहा गया है, इस बिल के अंदर 3 पॉइंट्स जो है वो रखे गए हैं, क्या क्या, कि राइट टू मिनिमम गारंटीड इनकम, जैसे कि इस बिल में भी है इनकम की, मिनिमम इनकम जो है उस जो आपका अधिकार है वो आपको दी जाएगी, गारंटीड है वो मिनिमम इनकम आपको मिलेगी। दूसरा क्या है, राइट टू गारंटीड एम्प्लॉयमेंट 125 डेज इन ईयर, एक साल में 125 दिन का आपको गारंटेड रोजगार ये स्कीम के अंडर दिया जाएगा। जो जो जिस जिस हिसाब से काम जानता है उसी हिसाब से उसे ये 125 दिन जो है काम दिया जाएगा। और अब इसके आगे आती है दोस्तों, राइट टू गारंटीड सोशल सिक्योरिटी पेंशन, और किन किन के लिए, एज्ड, डिसेबल, विडो एंड सिंगल वुमेन। ये स्कीम आपको अधिकार देती है किसका, पेंशन का, सोशल सिक्योरिटी का, आपके सामाजिक तौर पे सुरक्षा का जो है वो आपको अधिकार देती है, उसके रूप में आपको कुछ पेंशन मिलेगी। और किनको मिलेगी वो, एज लोगों को, डिसेबल लोगों को यानी जो फिजिकली डिसेबल्ड है उनको, विडो को जो विडोज है उनको, और सिंगल वुमेन्स को जो सिंगल वुमेन्स है उनको। तो ये जो बिल राजस्थान गवर्नमेंट लेके आएगी ये भी बहुत अच्छा बिल है जो राजस्थान गवर्नमेंट लेके आई है, उसमें आपको गारंटीड इनकम भी मिलती है और एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है, और जो फिजिकल डिसेबल वगैरह है, सिंगल वुमेन है, विडो है, जो दूसरे पे डिपेंड नहीं है का वो खुद पे डिपेंडेंट है, कोई उनको केयर करने के लिए नहीं, तो उनके लिए सोशल सिक्योरिटी सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान करता है, पेंशन उनको मिलेगी, एक फिक्स पेंशन उनको दी जाएगी इस बिल के अंडर। दोस्तों जो अगली स्कीम जो है वो भी बहुत अच्छी स्कीम है, जिसे मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश स्टेट के अंदर लागू किया है, और जुलाई 2023 में इस स्कीम को लागू किया गया है। और वो स्कीम कौन सी है, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ
योजना यानी कि एक ऐसी स्कीम जो मध्य प्रदेश सरकार ने लागू की अपने स्टेट में, जिसके अंदर आप सीख भी सकते हैं और सीखने के साथ साथ कमा भी सकते हैं। तो ये जो स्कीम जो है अपने नाम को ही सार्थक कर रही है कि सीखो और कमाओ, तो ये ऐसी स्कीम है। आप देखिए इसका एम क्या है बेसिकली स्कीम को लागू करने का, कि स्किल ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइड टू सिलेक्टेड यूथ, यानी कि कुछ जो यूथ जो है उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, जिस जिस चीज की जैसी जैसी उसने क्वालिफिकेशंस है उनकी, उसके हिसाब से उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी अपने काम को करने की, कि वो अपने काम में महारत हासिल कर सकें, उस काम को ढंग से कर सकें, उस काम को अच्छी तरह सीख सकें, उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। और जो दूसरा काम किया क्या किया जाएगा, ये तो पहला काम किया जाएगा इसके अंदर की ट्रेनिंग दी जाएगी। क्या दी जाएगी? ट्रेनिंग दी जाएगी किसको? सिलेक्टेड यूथ को ट्रेनिंग दी जाएगी। और उसका दूसरा काम क्या होगा इस स्कीम के अंदर, कि उनको ट्रेनिंग के साथ साथ, ये तो हो गया क्या, सीखना सीखना जो पहला पॉइंट है वो क्या कहता है, सीखो। जो दूसरा पॉइंट है वो बोलता है क्या, कमाओ कमाओ। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, कमाओ क्या, कि मंथली स्टाइफंड फ्रॉम 8,000 to 10,000 अकॉर्डिंग टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब देखिए ट्रेनिंग तो दी जाएगी, साथ में 8,000 से लेके 10,000 रुपए तक मंथली स्टाइफंड दिया जाएगा, किसके हिसाब से, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के हिसाब से, उनकी क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से 8,000 से लेके 10,000 तक जो है स्टाइफंड भी दिया जाएगा। यानी पहले तो ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग के दौरान जो है 8,000 से 10,000 तक का स्टाइफंड भी देंगे। तो ये जो स्कीम जो है मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश स्टेट में लागू की है, और इसका नाम है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। बेसिकली ये जो स्कीम है दोस्तों, ये लागू की गई है किनके लिए, जो एजुकेटेड यूथ है। किनके लिए लागू की गई है? एजुकेटेड यूथ के लिए इस स्कीम को लागू किया गया है, कि वो भटके ना, सही राह पे चले, सही दिशा में चले, और अपनी एजुकेशन जो उन्होंने ली है उसका सही से फायदा उठा सके। तो ये जो स्कीम है ये बहुत ही अच्छी, बहुत, मैं तो कहता हूं कि इस स्कीम को लगभग लगभग हर राज्य को लागू करना चाहिए। दोस्तों अपनी अगली जो स्कीम है वो है सागू बागू प्रोजेक्ट। जी हाँ, सागू बागू प्रोजेक्ट है ये। आप मतलब नाम भी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, ये तेलंगाना जो राज्य है वो लेके आया है अपने स्टेट वासियों के लिए, अपने राज्य वासियों के लिए। तेलंगाना गवर्नमेंट ने इसको लागू किया है जुलाई 2023 में, सागू बागू प्रोजेक्ट, और इस को लागू किया है, और इस प्रोजेक्ट के अंडर जो है हमारे किसान भाई आएंगे, यानी किसानों के लिए इस प्रोजेक्ट को लागू किया गया है। और इसका एम क्या है प्रोजेक्ट का, द प्रोजेक्ट एम टू प्रोवाइड एआई बेस्ड, किसके बेस्ड, एआई बेस्ड एग्रीटेक्स सर्विसेज, यानी एग्रीकल्चर से संबंधित सर्विसेज, कौन सी, फुल्ली टेक्निकल एआई बेस्ड, एआई बेस्ड यानी फुल टेक्निकल जो है सर्विसेज जो एग्रीकल्चर में वो फार्मर्स तक पहुंचानी है, कि अपनी जो है वो इनकम को बढ़ा सकें, अपनी जो पैदावार को बढ़ा सकें। और उसके लिए जो तेलंगाना गवर्नमेंट की मदद कौन कर रही है, तेलंगाना गवर्नमेंट की मदद कर रही है कौन, WEF, WEF का फुल फॉर्म हो गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है, फॉर्म जो है वो तेलंगाना गवर्नमेंट की जो है हेल्प कर रही है, किसमें, इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जिसका नाम है सागू बागू प्रोजेक्ट। तो यानी सागू बागू प्रोजेक्ट जो किससे जुड़ा हुआ है, फार्मर्स से। ये जो प्रोजेक्ट किससे जुड़ा हुआ है, फार्मर्स से। तो ये फार्मर्स से जुड़ा हुआ है, और इसके अंदर एआई बेस्ड जो है एग्रीकल्चर की नई नई सर्विसेज फार्मर्स को बतानी है, कि भाई वो अपने खेत में उनको कैसे लागू कर सकते हैं, और कैसे जो है वो अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, इस पे भी जो अदर स्टेट्स हैं उनको सोचना चाहिए ऐसी चीजों के बारे में। दोस्तों अपनी अगली स्कीम है ग्रामीण आवास न्याय योजना। तो आप जो है इसके नाम में ही जो है आवास आया हुआ है और न्याय आया हुआ है, यानी कि कुछ ये जो स्कीम है वो घर से रिलेटेड है। और इस स्कीम को जो लागू किया है वो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लागू किया है, छत्तीसगढ़ के अंदर। और
जुलाई 2023 में इसको लागू किया गया है। अब स्कीम का एम क्या है वो मैं आपको बता दूं, स्कीम का एम है टू प्रोवाइड होम टू रूरल होमलेस इंडिविजुअल्स इन छत्तीसगढ़, यानी छत्तीसगढ़ में जो रूरल एरिया है उनमें जिनके पास घर नहीं है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इस स्कीम के अंडर छत्तीसगढ़ जो गवर्नमेंट है वो घर देगी। यानी कि ये जो है स्कीम उसका एम है ग्रामीण इलाके में जिनके पास घर नहीं है उनको घर प्रोवाइड करने का। यानी कि एक जो स्कीम हमारे प्रधानमंत्री ने भी चला रखी प्रधानमंत्री आवास योजना की, जिनके पास घर नहीं है उनको घर देना है, उसी स्कीम से रिलेटेड ये कुछ स्कीम है ग्रामीण आवास न्याय योजना जो छत्तीसगढ़ में लागू की गई है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की तरफ से, कि वो छत्तीसगढ़ के रहने वाले जो भी रूरल्स एरिया में बिना घर के रहते हैं कौन छत्तीसगढ़ के निवासी, बाहर का नहीं छत्तीसगढ़ का ही होना चाहिए इस स्कीम के लिए जो इसको अवेल कर सकता है, उनको ये स्कीम क्या करती है घर प्रोवाइड करती है, क्या करती है घर प्रोवाइड करती है जिनके पास अपना खुद का घर नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपने दोस्त को तब तक हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ओके टाटा बाय बाय। और हाँ वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।